C4 कमिटेड होता है चैंपियन, क्रिएटर होता है, कमिटेड होता है। कौन होता है चैंपियन? जो कमिटमेंट पूरे करे अपनी जिंदगी में। कमिटमेंट इज द कनेक्शन बिटवीन आवर वैल्यूज एंड आवर एक्शन। स्लाइड की बात तो मुझे बाद में बतानी पड़ती है, लेकिन मैं इसमें वही छापता हूं जिसमें मैं भीग चुका हूं। स्लाइड में वही लेके आता हूं जिसको मैंने रस से जिया है। इसलिए मैं जब भी करूँ ना, अरे रे रे, इसका मतलब है इसमें रस ज़्यादा है, सिराना हटा लो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, कुछ कर लो ऐसा जो इसमें रस अपन भी लेंगे। आपकी जिंदगी में आपके भीतर की वैल्यूज, ईमानदारी रहनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, लीडर को प्लान दिखाना चाहिए, कहना मानना चाहिए, यह है वैल्यूज। और आपके एक्शन इससे मैच नहीं खा रहे। आपके एक्शन जो है ना वो वैल्यूज से अपोजिट है। आप गए एक दिन इस समुद्र में लाश की तरह निकाल दिए जाओगे। मतलब भीतर जो तूने संविधान बनाया है, हर जीवन की हर घटना बाहर में वही दिखनी चाहिए, वही दिखनी चाहिए। तेरी क्रिया में जो तेरे मन में हो, तेरे अभिप्राय में जो हो, वही बाहर दिखनी चाहिए। तब जिंदगी में कमिटमेंट पूरा करने की ताकत मिलती है। 27 अगस्त 2009 को मैंने अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कमिटमेंट अपने आप से किया। जिंदगी में कभी अन्याय और अनीति का रुपया अगर मुझे आया तो मैं नहीं लूंगा। 27 अगस्त 2009। 2012 में फिर परीक्षा ले ली। जब जिंदगी में प्रकृति से कमिटमेंट करते हो तो फिर परीक्षा भी तो होती है कि देखिए कितना खरा है कि नहीं है। 2012 तक मेरी इनकम हुआ करती थी 5 लाख रुपए महीना। सारा बिजनेस तबाह और इनकम जीरो। प्रकृति, फैमिली, फाइनेंशियल पोजीशन, तकलीफें, बीमारियां, दुर्घटना, एक्सीडेंट। 2012 परीक्षा का काल, सबसे ज्यादा तकलीफ दे साल 2012। अब मान लो आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि सबसे ज्यादा संघर्ष से गुजर रहे हो, इनकम जीरो हो गई हो, तकलीफ तकलीफ हो, और अचानक आपके पास कोर्ट का लेटर आए और वो लेटर ये कह रहा है आपके पिताजी ने 30 साल पहले 50,000 रुपये बीघा जमीन बेची थी, 6 बीघा। वो 30 साल पहले बिकी हुई जमीन आज भी ट्रांसफर नहीं हो पाई, वो आप ही के पिताजी के नाम है, आपके नाम है, कृपया करके इस जमीन के बारे में कुछ विचार करिए। फिर दूसरा हमारे पास व्यक्ति आया, पार्टी जिसको 30 साल पहले बेची थी, उसके कोई डेथ हो गई थी, तो उसका नुमिंदा आया, साहब 50 लाख। अब उस जमीन की रेट 30 साल बाद 1 करोड़ रुपये बीघा। कितने रुपये बीघा? 1 करोड़ रुपये बीघा। और बेची कितने में थी? 50,000 रुपये बीघा। और आपका समय सबसे जिंदगी का बुरा चल रहा है, सब में इमेजिनेशन करना भाई। अब अगर आप वो जमीन आपकी है और आप किसी को बेचते हो तो कितने रुपए मिलेंगे? 6 करोड़। 6 बीघा के 6 करोड़, और बेची थी 3 लाख में। अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के आपके लिए सवाल है, अगर ऐसा ऑफर आपके पास आता तो आप क्या करते? नहीं हो तो नहीं, मतलब उस दिन क्या करते? मतलब दुनिया के बड़े से बड़े लोग जो सच्चे और ईमानदार हैं वो आज भी कहते हैं साहब जब हालात इतने कसते हों तो हम तो ये कहते भगवान तेरा ही आसरा है, इसीलिए तूने ये मौका दिया है, 6 करोड़ हमारे हैं भगवान, तेरे स्वाम नहीं करेंगे ये 6 करोड़। अरे चाय भी हमारी थी, डीजल भी हमारा था, लेकर भी हम ही गए थे, खर्चा भी हम नहीं किया था। नहीं, प्राण चले जाए लेकिन ये 6 करोड़ में अगर मैंने हिस्सादारी दे दी, एक दिन धरती मेरे से 60 करोड़ ले लेगी रे। बेईमानी नहीं की, कमिटमेंट निभाया जो अपने आप से किया था, जमीन वापस नाम करवाई और ट्रांसफर करवाई। क्या कह गया? जो भीतर कह दिया वो बाहर क्रिया में दिखना चाहिए, वो बाहर क्रिया में दिखना चाहिए। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, उस दिन आपका बेटा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। जिस दिन आपकी वैल्यूज और एक्शन एक हो गया, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, आपकी डाउनलाइन आप पे गर्व करेगी। सारी दुनिया छोड़ के चली जाए लेकिन अच्छे लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैल्यू और एक्शन एक है। इस बिजनेस में वैल्यू और एक्शन एक रखो, तब कमिटेड हो पाओगे, तब एक चैंपियन बन पाओगे। कमिटमेंट रिक्वायर्स इनसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये जो कमिटमेंट है ना, ये जिंदगी की भीतर की अंतर्दृष्टि को बाहर की सजगता से जोड़ता है। अंतर्दृष्टि और बाहर की सजगता कमिटमेंट तब निभाता है और तब आदमी बनता है चैंपियन। कमिटमेंट इज पर्पजफुल। लक्ष्य के लिए जिंदगी दौड़ाते हैं लोग, और लक्ष्य के बीच में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई बार अहंकार को नीचे गिराना पड़ता है, कई बार जख्म सहने पड़ते हैं, कई बार घाव सहने पड़ते हैं, लेकिन पर्पज जिसका है वो ही चैंपियन बनता है, क्योंकि कमिटमेंट पर्पज के बिना कभी नहीं आता है। कमिटमेंट इज सेल्फ ब्रांडिंग।
कमिटमेंट इज सेल्फ ब्रांडिंग. मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया सेल्फ एनालिसिस में मेरी फॉर्च्यूनर के टाइम 7 लाख रुपया मेरी जिंदगी में बेईमानी करने का मौका था, लेकिन मुझे नहीं पता था. उस एक घटना की वजह से इस देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट का हेड मेरे 5 मिनट के वीडियो को देखेगा और सिर्फ इसलिए बुलाएगा, सर हम आपको इसलिए बुला रहे हैं, आपने हमारी जिंदगी में हमारे एचआर डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर को आपने प्रभावित किया. क्यों? आपने बेईमानी नहीं की, आपकी कार डूबी थी, आपने 7 लाख बचाने के चक्कर में बेईमानी नहीं की. मारुति सुजुकी ने इन्वाइट किया ट्रेनिंग के लिए कब? जब आपकी आपकी सेल्फ ब्रांडिंग बन गई हो. लोग अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपनी इज्जत, ओए मेरी इज्जत करो रे, ओए इज्जत करो मेरी, आई एम ए डायमंड, मैं तुम्हारा लीडर हूं, इज्जत करो इज्जत करो. इतनी ताकत मत लगा रे. अगर वैल्यूज और एक्शन एक हुए तो एक दिन दुनिया चिल्ला के कहेगी ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा. अपनी वैल्यूज और अपने एक्शन को कभी अलग मत करो. कमिटमेंट तब निभा पाओगे. कमिटमेंट इंस्पायर्स अस टू डू आवर बेस्ट. जो कमिटेड होता है ना चैंपियन बनने के लिए, वो अपने आप को इंस्पायर करता है. अरे रे, और कुछ हो सकता था, थोड़ा और किया जा सकता था, 4 प्लान के बाद 1 प्लान और हो सकता था. इंस्पायर करता है क्योंकि कमिटमेंट कहता है तुझे 3 साल में गेम ओवर करना है, 10 साल नहीं लगाना, 3 साल में रिटायर्ड होना है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. इंस्पायर करता है कमिटमेंट. कमिटमेंट इज सरेंडर. चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बोला जीवन आपके नाम, बताओ मुझे भारत का सम्राट कैसे बनूंगा. चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त कभी भारत का सम्राट नहीं बन पाया. आप भी अपनी एक ग्रोइंग और ग्रेट अपलाइन के बिना एक ग्रेट अपलाइन कभी नहीं बन पाएंगे. आपको जिंदगी में अपनी ग्रेट, अपनी ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन को सरेंडर करना होगा. भीतर की इनसाइट से पता चलेगा वैल्यूज और एक्शन एक है कि नहीं है. सरेंडर करे बिना नहीं होगा. और सरेंडर किसको करना है ये सावधान रहना, नहीं तो हर बार जैसे राम रहीम के 5 करोड़ शिष्यों को हर बार नया बाबा ढूंढना पड़ता ना, अल्ल ये बाबा भी बेकार निकल गया, नए बाबा की तलाश जारी है. प्रॉब्लम बाबा में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है जो बाबा को चुनने से पहले समझते नहीं है कि किस बाबा के आगे नतमस्तक करना चाहिए. बाबा को चेक करो, बाबा की फिलोसॉफी है. इस धरती पे जितने लोग बाबा बना लेते हैं और अपना गुरु बना लेते हैं ना, उनको ये खबर ही नहीं है कि जिसके चरित्र के 9 दरवाजे जिसके बंद नहीं हो उसको कभी समर्पण नहीं करना चाहिए. इसलिए हर बार बाबा बदलना पड़ता है, नया बाबा ढूंढना पड़ता है और फिर नया बाबा ढूंढना पड़ता है. और जिंदगी में बाबा बनाते टाइम एक बार सोच लिया जिसके 9 द्वार बंद हैं, जिसके शील की 9 बाड़ लगी हुई है, वो बाबा कभी धोखा नहीं देगा. आपको भी अपने ऐसे लीडर को समर्पित करना है जिसकी जिंदगी में वैल्यूज और एक्शन एक है. आप भी एक दिन ऐसे लीडर बनोगे, दुनिया आपको भी सरेंडर करेगी. सरेंडर करे बिना आप डायमंड नहीं बन पाओगे. सरेंडर करे बिना, क्योंकि सरेंडर में समर्पण है. अर्जुन का एग्जांपल दे दिया संकेत सर ने. आप अपनी लाइफ में ध्यान रखना, अगर सरेंडर कर दिया पहले तो आप ये देख लो. मैं आपको परिचय दे देता हूं. अगर आपके पिछले 1 साल में आपके बिजनेस से आपको काफी दिनों से लग रहे और आपको पैसा नहीं आया, तो चेक करो सरेंडर किया किसको है. चेक कर लो सरेंडर किसको किया है. और अगर आपकी ग्रोथ हर महीने डबल होती जा रही है तो समझ लेना आपने सरेंडर कर दिया है. आपकी ग्रोथ का सीधा समानुपाती है आपकी सरेंडरशिप से. सरेंडर करो, सरेंडर करो. सरेंडर के बिना आपको कामयाबी नहीं मिलेगी. और सरेंडर का सबसे बड़ा फायदा, पूरा नेटवर्क सरेंडर करता चला जाता है और अच्छा संगठन बनता है, अच्छी संस्था खड़ी होती है और नेटवर्क में लोग आते हैं.